असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ है देना गर्मियाँ शुरू होते ही हर घर में एक कॉमन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और वो है कॉकरोचेस हम कितनी भी सफ़ाई कर लें लेकिन कॉकरोचेस हमारे घर में हो ही जाते हैं स्पेशली किचन में तो कॉकरोचेस का होना बहुत ज़्यादा ही कॉमन है कॉकरोचेस ना सिर्फ देखने में बुरे लगते हैं बल्कि इनसे कराहियत भी बहुत ज़्यादा आती है और उसके साथ कॉकरोचेस हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं कॉकरोचेस से एलर्जी भी हो जाती है और जो सांस का मर्ज होता है जिसे एस्थेमा कहते हैं उसका भी बाइस बनते हैं कॉकरोच तो आज मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जड़ से कॉकरोचेस को ख़त्म करने के लिए और नहायत आसान और बहुत ज़्यादा कम खर्च में ये रेमेडी बन तैयार होगी लेकिन इतनी इफेक्टिव है कि जब इसको आप यूज़ करेंगे तो जड़ से आपके घर से कॉकरोचेस का खात्मा हो जाएगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रेमेडी को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है कॉकरोचेज के खात्मे के लिए इस सुपर इफेक्टिव रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है लाल मिर्चें चीज लाल मिर्च का पिसा हुआ पाउडर हमारे पास होता है हर घर में हमेशा मौजूद होता है आप ले लीजिए इसका हाफ़ टेबल स्पून अब इसमें आप शामिल कर दीजिए एक टेबल स्पून बोरिक पाउडर बोरिक पाउडर जो हम कैरम बोर्ड पर यूज़ करते हैं उसी बोरिक पाउडर का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है अक्सर घरों में बोरिक पाउडर मौजूद होता है अगर आपके पास नहीं है तो छोटा वाला डब्बा आप बोरिक पाउडर का ले लीजिए ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है बोरिक पाउडर कॉकरोचेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बोरिक पाउडर जब कॉकरोच खाएगा तो लाजमी वहीं के वहीं मर जाएगा तो यहाँ पर एक टेबल स्पून बोरिक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक टेबल स्पून आप इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी पिसी हुई चीनी कॉकरोचेस को बहुत अट्रैक्ट करती है इस रेमेडी में चीनी का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ कि जब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे तो कॉकरोचेस चीनी से अट्रैक्ट होंगे अट्रैक्ट होकर वो इसको खाने के लिए आएंगे लेकिन इसमें शामिल है बोरिक पाउडर जब वो इसको खाएंगे तो वहीं के वहीं कॉकरोचेस ख़त्म हो जाएंगे अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और घर की वो जगहें जहाँ से आपको लगता है कि कॉकरोचेस आते हैं वहाँ पर आप ये पाउडर स्प्रेड कर देंगे अच्छा अब पाउडर स्प्रेड करने का जो सही टाइम है वो है रात का क्योंकि रात को ही कॉकरोचेस निकलते हैं दिन में इतने कॉकरोच नहीं निकलते हैं रात को खुराक की तलाश में कॉकरोच निकलते हैं तो रात को जब आप अपनी किचन की सफाई कर लें तो सफाई करने के बाद उन जगहों पर जहाँ से कॉकरोचेस निकलते हैं वहाँ पर आप ये पाउडर छिड़क दें देखिए यहाँ पर अपने चूल्हे पर मैं ये पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि कितनी भी सफाई कर लें इन जगहों पर कॉकरोचेस आते ज़रूर हैं इसी तरह किचन के स्लेब पर आप ये पाउडर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दें अगर आप किचन के स्लेब पर यह पाउडर डाल देंगे तो कॉकरोचेस चीनी से अट्रैक्ट होकर आएंगे और खाएंगे ये पाउडर और वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे इसी तरह जो हमारी सिंक की ड्रेन्स हैं उस पर भी आप ये पाउडर जरूर स्प्रिंकल करें क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉकरोचेज इन ड्रेन से ही आते हैं और अगर घर में और भी जगहें हैं जहां पर ड्रेन्स हैं वहां पर भी आप इस पाउडर का इस्तेमाल करें घर के जिस जिस कोने से आपको लगता है कॉकरोचेस निकलते हैं वहां ये पाउडर आप स्प्रिंकल कर दें आप देखेंगे तीन से चार दिन में ही आपके घर से कॉकरोचेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जब जब आप ये पाउडर स्प्रिंकल करेंगे कॉकरोचेस ज़रूर इससे अट्रैक्ट होकर आएंगे और बोरिक पाउडर को खाके कॉकरोचेस वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे तो ये बड़ी ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप परेशान हैं कॉकरोचेस की वजह से और अगर आप अपने घर में देखें कि एक से दो कॉकरोचेस भी आपको नज़र आते हैं तो आप ये रेमेडी फौरन ही यूज़ कर लिया कीजिए क्योंकि तो अगर कॉकरोचेस बढ़ना शुरू होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं किचन में हर जगह आपको कॉकरोचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कॉकरोच को बढ़ने ही नहीं दिया करें जैसे ही आपको लगे कि आपके घर में कॉकरोच होना शुरू हुए हैं फ़ौरन आप ये रेमेडी बनाएं और रात के टाइम ये रेमेडी अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दें दो से तीन दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपके घर से कॉकरोचेस का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा तो होप ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी इसको आप यूज़ करेंगे तो ये मसला आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा अगर ये रेमेडी आपके लिए यूज़फुल रहे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़